देखिए तो कुछ ऐसा हमने बोर्डिंग पास लिया है फ्लाइट में बैठने के लिए और अभी अपन अपनी उड़ान भरने वाले हैं। नहीं जा कहाँ रहे हो ये बताओ, कहाँ जाने की इच्छा है? तो फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। ये कौन सा एयरपोर्ट है? गोवा एयरपोर्ट। गोवा एयरपोर्ट कहाँ है, कहाँ है, बीच का है? नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। हाउ आर यू एवरीबॉडी, दिस इज विशाल द वे। आज है हमारे कॉलेज की छुट्टी, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि हमारे एग्जाम्स चल रहे हैं। ये देखो ये जो नीचे आ रहे हैं ये सारे हमारे रूममेट्स हैं। नहीं मैंने देख लिया, कैमरे में भी आ गए। तो ये हमारे रूममेट्स हैं जो अभी आ रहे हैं नाश्ता वाश्ता करके, एकदम झकास, एकदम रापची, नहा धो के एकदम रेडी हो गया हूं। दिख रहा हूं ना एकदम चकाचक। नहीं, जिग्नेश भाई का सुबह से कॉल आ रहा है, अभी उसको कॉल करूंगा वरना वो गुस्सा हो जाएगा। पता करते हैं आगे का क्या प्लान है। तो अभी बज चुके हैं 12:15, ये देख सकते हैं आप, 12:18 हो गए हैं और अब मैं जा रहा हूं नाश्ता करने के लिए। खाने के टाइम पे नाश्ता करने जा रहा हूं। देखो यार ये है व्लॉगर्स लाइफ। कल एग्जाम है ना तो उसका भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। अभी शैली और जील एंड कार्तिक तीनों की तीनों कॉन्फ्रेंस कॉल पे हैं। तीनों डिस्कस कर रहे हैं कि पेपर में कौन से आईएमपी क्वेश्चंस आएंगे और कौन से नहीं आएंगे, उस पर चर्चा चल रही है। तो जैसे ही वो लोग नोट्स बना लेंगे ना, वो नोट्स मेरे को भेजेंगे एंड देन मैं उसे पढ़ूंगा, तो यही तो फायदा होता है भाई। लेकिन जब तक वो नोट्स नहीं आते तब तक मैं सोच रहा हूं कि चलो नाश्ता कर लेते हैं। अभी कुछ दिनों से ना भाई वडोदरा का मौसम काफी शानदार हो रहा है, ये देख सकते हो आप कितना जबरदस्त मौसम है, एकदम शिलोंग वाली फीलिंग आती है। दो दिन पहले ना इतनी ज्यादा धूप होती थी ना कि बाहर निकलने का मन ही नहीं करता था, और अभी ऐसा हो गया है कि बाहर निकलो आराम से घूमो फिरो कुछ भी करो, मन करता है बाहर निकलने का और घूमने का जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वेदर। अभी अपन का सीधा वहां पर जाने का है और आराम से खाएंगे अपन मसाला भाकरी। बोले तो मसाला भाकरी, काम करो एंजॉय करो, लाइफ इज ऑल अबाउट दैट। देखिए तो यहाँ पर दो होटल्स हैं, ये पहला और ये दूसरा। एक यहाँ पर भी सस्ता नाश्ता मिल जाता है, उधर भी सस्ता नाश्ता मिल जाता है। तो अभी देखते हैं अपन किधर जाते हैं। प्रोबेबली चांसेस तो ऐसे है कि मैं इस वाले में जाऊंगा और नाश्ता कर लेता हूँ। अभी मैं नाश्ते में कर रहा हूँ मसाला भाकरी विद दिस बॉर्नविटा, आय हाय हाय मजा आ जाएगा। तो अभी अपन बॉर्नविटा के साथ मसाला भाकरी भी ले रहे हैं। ये है हमारा आज का नाश्ता, तो इस नाश्ते को करते हैं। अगर और भी ज्यादा भूख लगी तो और भी कुछ ऑर्डर कर लेंगे, लेकिन फिलहाल तो इसको खत्म करते हैं बॉस। तो ये जो पीछे आप जगह देख रहे हो, इस जगह से मैंने अभी अपना नाश्ता कंप्लीट कर दिया है। ऐसा मत समझे करो कि बॉर्नविटा हमेशा हम लोग बचपन में पीते हैं, नहीं यार, बड़े होने के बाद भी पीने में अलग ही मजा होता है बॉर्नविटा, वो समझ रहे हो। तो वो मैंने पी लिया, नाश्ता भी कर लिया, अभी मैंने द वैम्पायर डायरीज को खत्म कर रहा हूँ। मेरे को शैली ने बहुत ज्यादा फोर्स किया, कार्तिक ने फोर्स किया, और हाँ हमारी जो मेज है जी हाँ तृप्ति जी, वो भी डीवीडी देख रही हैं, उनका भी फरमान आया। तो इसीलिए अभी अपन डीवीडी को कंप्लीट करके रहेंगे बॉस, उसके बाद शाम को अपन को जिग्नेश भाई के साथ बाहर जाने का है और आप सभी लोगों को एक काफी कमाल की जगह दिखाने वाला हूँ। वो कौन सी कमाल की जगह है वो तो आपको वहां पर पहुंचने के बाद ही पता चलेगा। तो अभी मैं अपने यूवी ग्लासेस को लेने के लिए जा रहा हूं। क्या है ना कि मैं लैपटॉप पे बहुत ज्यादा काम करता हूं, आप सभी लोगों ने भी देखा है कि मैं रात से लेकर सुबह तक मैं सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप पे काम करता रहता हूं, आप सभी लोगों के लिए एडिटिंग करता हूं। इससे क्या होता है आंखों को बहुत ही ज्यादा डैमेज होता है, उन डैमेजेस से बचाने के लिए अभी मेरे को ग्लासेस पहनने पड़ेंगे एडिटिंग करते समय। एक्चुअली ये काम मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, यूवी ग्लासेस बनाने के लिए बहुत पहले दे देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं यार, जब जागो तब सवेरा। शनिवार का जो दिन था उस दिन हमने दे दिया था यूवी ग्लासेस को बनाने के लिए और अभी हमारा रेडी हो गया है। आज सुबह मुझे कॉल आया था कि आपका जो यूवी ग्लासेस है वो रेडी हो गए हैं, तो आप आके ले जा सकते हो। तो अभी मैं जा रहा हूँ उन ग्लासेस को लेने के लिए। तो देखिए ये है हमारे यूवी ग्लासेस, जिन ग्लासेस की मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, ये वही ग्लासेस है जो कि मैंने शनिवार को बनाने के लिए दिए थे। अभी ये बन के रेडी हो गए हैं, थैंक यू सो मच अंकल, काफी अच्छा लगा। अभी इसको पहन के मैं आप सभी लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है? 346 minutes later. Tantanan, तो देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है आपका अपना ब्लॉगर इन चश्मों में। इसको यूवी ग्लासेस भी बोलते हैं और उसके साथ साथ ब्लू ब्लॉक्स भी बोलते हैं ना अंकल? ब्लू, हाँ ब्लू ब्लॉक्स भी बोलते हैं इसको, क्योंकि जो ब्लू किरणें आती है ना, ब्लू रेज आती है जब भी हम लैपटॉप स्क्रीन के सामने, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने काम करते हैं, तो ये उनसे अपनी आंखों की सुरक्षा करती है। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है ना ये। ओके, तो अगर आप लोग भी अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे रहते हो, लैपटॉप स्क्रीन के सामने काम करते हो, जितने भी यूट्यूबर्स मुझे यहाँ पर देख रहे हैं, हम लोग का अक्सर काम होता है कि यार एडिटिंग करनी होती है बहुत ही ज्यादा, कैसी ग्लासेस लेके रखो, क्योंकि आंखों की सुरक्षा करना ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। आंखों को नजरअंदाज मत करो, इनकी सुरक्षा करनी चाहिए। तो अभी मैंने ये ले लिया, अभी मेरे को एडिटिंग में कोई टेंशन नहीं होगा, आराम से अपन एडिट करेंगे और ढासू ढासू कॉन्टेंट आप सभी लोगों के लिए लेके आएंगे। तो अभी बच चुके हैं शाम के 5, ये देखो शाम के 5 हो गए हैं। अब मैं जा रहा हूँ जिग्नेश भाई के रूम पे, जिग्नेश भाई से मिलेंगे और उसके बाद हम दोनों मिल करके जाएंगे काफी कमाल के रेस्टोरेंट में। और ये जो रेस्टोरेंट है वो ऐसा वैसा रेस्टोरेंट नहीं है, बल्कि सो
समझ आ रहा है? नहीं आ रहा। अरे यार मैं बात कर रहा हूँ हवाई जहाज की, एरोप्लेन की। तो ये जो रेस्टोरेंट है ना, ये हवाई जहाज से बना हुआ रेस्टोरेंट है। तो अपन सबसे पहले चलते हैं जिग्नेश भाई के रूम पे, उनको लेके फिर अपन चलेंगे एरोप्लेन वाले रेस्टोरेंट में। मजा आ जाएगा भाई। पहली बार मैं जा रहा हूँ और आप सभी लोगों को भी पहली बार वहाँ का खाना दिखाऊंगा, कैसा खाना मिलता है और कितने में खाना मिलता है। गए हैं जिग्नेश भाई के रूम पे। एक्चुअली जिग्नेश को अभी तक पता नहीं है कि मैं यहाँ पर पहुंच गया हूँ। हालांकि उसको ये पता था कि मैं शाम को आने वाला हूँ, लेकिन किस टाइम पे यहाँ पर आने वाला हूँ ये जिग्नेश को पता नहीं था। तो अपन एकदम सडनली आ गए हैं, अभी उसको जाके सरप्राइज देंगे। चलो 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 चलो। जिग्नेश क्या कर रहा होगा यार अभी? जल्दी जल्दी उससे मिलते हैं और उससे मिलने के बाद फिर अपन को एकदम एरोप्लेन वाली जगह पे जाने का है। तो जल्दी से उससे मुलाकात कर लेते हैं। अरे मेरे ब्रदर क्या हाल चाल? तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं एरोप्लेन वाली होटल में। जी हाँ, जिस होटल में जाने का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था और आप सभी लोगों को दिखाना था, वो देखो पीछे। आप लोगों को देख के ऐसा लगेगा ही नहीं कि भाई ये नकली एरोप्लेन है, एकदम असली एरोप्लेन जैसा लग रहा है। इसको लेके आए हैं, असली है या? असली है। ओ भाई 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 भाई, भाई 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 भाई, असली है। इसको खरीद के लाया गया है और फिर इसके अंदर होटल बनाई गई है। अभी अंदर से एक ऐसा दिखता है, वो भी मैं आप सभी लोगों को दिखाऊंगा। वैसे तो यार कभी ऐसा बैठने का मौका नहीं मिला प्लेन के अंदर, लेकिन इसमें ही चले आते हैं। देखिए तो कुछ ऐसा हमने बोर्डिंग पास लिया है, यहाँ से ये ऑफिस है, यहाँ से हमने बोर्डिंग पास ले लिया है फ्लाइट में बैठने के लिए। और अभी अपन अपनी उड़ान भरने वाले हैं इस एरोप्लेन में। जी हाँ, मैम को दे रहे थे, लीजिए मैम। ओके, तो मैम लेके जा रही है बोर्डिंग पास को और अभी इन सीढ़ियों से अपन को ऊपर जाने का है, देन एरोप्लेन में बैठने का है। और अभी कहाँ जा रहे हैं वो तो जिग्नेश भाई ही बताएंगे। जिग्नेश भाई किधर जा, किधर रहे हो? ये भरने पेट भरने के लिए जा रहे हो? ओहो भाई, विंग्स वगैरह देख लो, सब कुछ एकदम औसम है। लेकिन वहां से पहले ऑर्डर आया है कि पहले आप अंदर जाके खाना वाना खा लो, उसके बाद आराम से घूमना। तो पहले अपन खाना खा लेंगे, उसके बाद आराम से। ओहो, एकदम रियल फीलिंग आ रहा है भाई, एकदम एयरपोर्ट वाला फील आ रहा है। क्या बात है, ये देख रहे हो? आय हाय हाय हाय, एकदम एयरपोर्ट वाला फील है। ऐसा असली में तो बैठे नहीं, लेकिन नकली में ही बैठ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड जिग्नेश भाई बता दो, पर पर्सन कितना लगा आपको और मेरे को? 500 इनका, 500 मेरा, 500 में 500 रुपए लगे हैं, पर पर्सन 500 रुपए हैं। तो 1000 रुपए हमें लगे हैं। एंड 1000 के अंदर अगर हम लोग खाना खा लेते हैं तो चलेगा, लेकिन 1000 से ऊपर अगर खाना खा लिया तो बिल फट जाएगा और आपको और भी पैसा देना पड़ेगा। अभी अंदर चलते हैं। ओके एंड ओके, हेलो 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 हेलो। तो देखो यार, पूरा एरोप्लेन वाला फील आ रहा है, जहाँ पर हमें अपना वॉइस लो करना पड़ेगा। सभी लोग बैठे हुए भाई, ओहो हो, एकदम रियल। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, कहाँ गए मैम? ओके ओके, दिस इज आवर सीट। तो यहाँ पर ये है हमारी सीट, यहाँ पर अपन बैठ जाते हैं और अभी बैठ के डिनर करने वाले हैं। कैसा लग रहा है जिग्नेश? नहीं, मास्क निकाल सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। नहीं, जा कहाँ रहे हो ये बताओ, कहाँ जाने की इच्छा है, कहाँ जाने की इच्छा है? तो चलिए अभी अपन यहाँ पर बैठे हुए आराम से डिनर वगैरह करते हैं। हेलो बोल दीजिए एक बार। हेलो 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 हेलो। ये देखो सबके सब यहाँ पर हैं और भीड़ भाड़ तो है भाई। फिलहाल अपन बैठ जाते हैं प्लेन के अंदर। चलो भाई इधर बैठने का, काम करो, एंजॉय करो, लाइफ इज ऑल अबाउट दैट। तो हम लोग फाइनली प्लेन के अंदर बैठ गए हैं और जिग्नेश भाई जो है वो अभी ये देख रहे हैं कि हमको क्या खाने का है। प्लेन के अंदर खाना खाने के लिए आए, लोग अक्सर प्लेन के अंदर ट्रैवल करने के लिए आते हैं, लेकिन अपन आए हैं खाना खाने के लिए। इजंट इट अमेजिंग? फिलहाल तो वो देख रहे हैं मेन्यू में क्या ऑर्डर करना चाहिए, क्या ऑर्डर नहीं करना चाहिए। अभी ट्रैवल पे निकलने वाले हैं बहुत ही बड़े, तो ये जो है नकली एरोप्लेन है, इसके बाद असली में बैठने वाले हैं और इंटरनेशनल ट्रिप भी होने वाली है। ओके, तो स्टे ट्यून, बहुत ज्यादा मजा आएगा एक साथ ट्रैवल करने में। कहाँ जा रहे हैं ये मैं आप सभी लोगों को नहीं बताऊंगा, हालांकि यहाँ पर सबका सबका डिनर चल रहा है, हमारे परम मित्र भी यहाँ पर। जिग्नेश भाई किधर किधर जाना, किधर है आपको, किसकी किसकी परमिशन से जा रहे हो और किधर जा रहे हो फ्लाइट में बैठ के? कहीं ना कहीं तो जा ही रहे हैं, कहीं ना कहीं जा ही रहे हैं। ऑडियंस को बता दो, बता दे। नहीं नहीं, इतने जल्दी थोड़ी बता देंगे हैं कुछ भी। आप सिर्फ ब्लॉग देखते जाओ, शेयर करते जाओ, जितना हो सके सपोर्ट करते जाओ, बहुत जल्दी पता चल जाएगा। कैसा लग रहा है फ्लाइट में बैठ के? तेरे को कैसा लग रहा है यार? मेरे को दिल गद गद हो रही है, गद गद। इसकी गर्लफ्रेंड बहुत प्लेन में घूमती है। ये कुछ भी, इधर सिंगल बंदा है, इधर इसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है? झूठ बोल रहे। देखो मेरी हर एक चीज आप सभी लोगों से जग जाहिर है। ये कुछ भी बोल रहा है, इसके बातों पर विश्वास नहीं करने का, मेरी बातों पर विश्वास करने का। मैं आपका फेवरेट ब्लॉगर है ना, तो मेरी बातों पर विश्वास करो, ठीक है? जिग्नेश भाई के चैनल पे जाओ, उनको भी सब्सक्राइब करो, द जेंटलमैन राइडर। अब वो आपको बाइक में घुमाएगा, अपन आपको प्लेन में घुमाएंगे। फिलहाल तो अपन बैठ जाते हैं अपनी सीट पे, आप लोग जाके देखो तुरंत सिनेमैटिक्स को। ओके,
आ गई है। अभी अभी हमने खाना खत्म किया है बॉस, एकदम पेट भर गया है खाना खा के। जिग्नेश भाई पेट भर गया, कैसा लगा प्लेन में खाना खा के? अच्छा लगा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। देखो कितना अच्छा सौभाग्य है। आपका कौन सा फ्लेवर है? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी, ओहो स्ट्रॉबेरी जैसे। आए हाय, एक अच्छा चीज दिखा दे। अरे अरे अरे, संभल के बोलो भाई, संभल के बोलो, थोड़ा जगह भी तो देखो। और हम पी रहे हैं वाटरमेलन ड्रिंक। देखो यहाँ पर आपको वाटरमेलन दिख जाएगा, वहाँ पर स्ट्रॉबेरी दिख जाएगी। अबे स्ट्रॉबेरी दिखा, स्ट्रॉबेरी दिखा। मजे ले रहे हैं भाई यहाँ पर प्लेन में बैठे बैठे। अभी प्लेन टेक ऑफ कब करेगा ये तो मेरे को भी नहीं पता है। टेक ऑफ कब करेगा? ओए अभी ये पीते पीते ही कर लेगा। पीते पक्का? आई श्योर? अपन इसको पी के एकदम टल्ली हो जाते हैं, तब तक प्लेन भी ऐसा टेक ऑफ कर लेगा। ओके काम करो, एंजॉय करो। लाइफ इज ऑल अबाउट दैट, लाइफ इज ऑल अबाउट दैट, एंजॉय लाइक दिस मैन। तो फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। ये कौन सा एयरपोर्ट है? गोवा एयरपोर्ट। गोवा एयरपोर्ट साले, कहां है बीच का है? गोवा से अबू धाबी हो गया। हमारा खाना वाना जो है वो हो गया है। खाना खाने के बाद अभी यहाँ पर एक मस्त सी प्लेस है जहाँ पर ऐसा खड़े होके अपन सेल्फी वेल्फी खींच सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है? ये जो है ना, ये शूट के लिए बनाया गया। मेरे को ऐसा लगता है इस पे चढ़ के आप आराम से एकदम मस्त सिनेरियो के साथ फोटो ले सकते हैं। कभी ये देखा है कि नीचे, ये देखो यहाँ पर साक्षात प्लेन है, और प्लेन के नीचे यहाँ पर देखो झरना, छोटा छोटा झरना बह रहा है, और यहाँ पर देख रहे हो पानी वानी, तो पानी वानी के ऊपर आपको प्लेन दिखेगा। और प्लेन का जो टर्बो है ना भाई, कुछ इस तरीके से दिखता है। ये देखो ये इनसेन है भाई, ये तो मैंने आज तक नहीं देखा। ये देखो नीचे पानी है और ऊपर ऐसा टर्बो घूम रहा है, क्या बात है भाई। और ऊपर वाह, ऊपर खाना खाने के लिए बैठ सकते हो आप। ऊपर सीटिंग अरेंजमेंट है भाई खाना खाने के लिए, वाह क्या बात है। ऊपर खाना खाओ, नीचे टर्बो है, उसके नीचे पानी है। बाप रे, उधर गए तो इधर फंसेंगे, इधर गए तो इधर फंसेंगे। किधर जाएगा, किधर आदमी किधर जाएगा, ऊपर खाना खाएगा बस। वाह भाई वाह, कैसे सिस्टम लगी आपको? आइडिया, दिमाग कितना लगाया गया इन सब चीजों को बनाने में, समझ रहे हो? दिमाग कितना है? 1 करोड़ भी तो लगा है। वो करोड़ सब में करोड़ों बात मत किए कर भाई, अपन गरीब आदमी है। इधर धक धक हो रही है, धक धक। बहुत टाइम हो गया है, लगभग 9 बज रहे हैं, तो यहाँ से अपन को निकलना पड़ेगा क्योंकि कल एग्जाम है। किसी ने पढ़ाई नहीं किया, ना उन्होंने किया, ना मैंने की है, तो दोनों को पढ़ाई करना पड़ेगा ना बॉस, वरना घर वाले जूते चप्पल मार के घर से बाहर निकाल देंगे कि घूमते रहो, पढ़ाई वढ़ाई मत करो। यहाँ से एंट्री ली थी, यहीं से एग्जिट भी लेते हैं। एरोप्लेन होटल से अभी मैं पहुंच चुका हूँ अपने रूम पे, और टाइम हो गया है 10:30, ये आप देख सकते हैं। अभी अभी मैं अपने घर पे पहुंच रहा हूँ। यार जिंदगी में एंजॉय करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आते आते मुझे एक फैमिली मिली थी जो कि मेरे सब्सक्राइबर थे। वो मुझे बोल रहे थे कि आपके व्लॉग्स देखना हमें काफी अच्छा लगता है, हम रोज आपके व्लॉग्स देखते हैं, एक तरीके से हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है मेरा व्लॉग उनको। थैंक यू सो मच। अभी जो फैमिली मिली थी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अप्रिशिएट किया इतना, जो रोज हम काम करते हैं, रोज डेली व्लॉग्स डालते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इसके साथ पढ़ाई भी करना होता है, बाकी सारी चीजों को भी मैनेज करना होता है। इट्स नॉट एट ऑल इजी, डिफिकल्ट होता है, लेकिन फिर भी हम काम करते हैं ताकि आप सभी लोगों तक व्लॉग पहुंच जाए। आप ही लोगों से हम है यार, #wishufam। आप इतना प्यार करते हो, इसीलिए मुझे इतना मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप सभी लोगों के लिए रोज ब्लॉग बना सकूं, डेली आप लोगों तक ब्लॉग पहुंचा सकूं। चैनल पे बने रहो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को शेयर करो, फैमिली मेंबर्स को शेयर करो, जितने लोग हो सकते हैं सबको शेयर करो। अभी ना अभी मजा आने वाला है क्योंकि अभी पावरफुल ब्लॉग्स आने वाले। इसी के साथ अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर देना, कॉमेंट करके जाना कैसा लगा ब्लॉग। जमे रहिए, बने रहिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। विशाल दवे को विदा दीजिए, जय श्री कृष्णा। तो कल के अमेजिंग व्लॉग में फिर से आप सभी लोगों से मुलाकात हो जाएगी।